लोकेश कटारिया बिग बॉस ओटीटी 3 से बाहर निकलने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड आशना के साथ कई ब्लॉग्स बना रहे हैं। रिसेंटली वह उनको लेकर शिवानी के घर सरप्राइज देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक बहुत चर्चित मामले पर बात की। बीते दिनों सोशल मीडिया पर शोर था कि लोकेश की गर्लफ्रेंड ने एल्विश को छपरी कहा। अब लोकेश ने उन्हें ट्रोल कर रहे लोगों को मैसेज दिया है। अब लेटेस्ट ब्लॉग में लोकेश आशना के साथ शिवानी से मिलने उनके गांव पहुंचे। लोकेश बिना बताए शिवानी को सरप्राइज देने गए थे। उन्हें देखकर शिवानी चौंक भी गई। उन्होंने आशना को भी गले लगाया। आखिर में लोकेश बोलते हैं, अपने और आशना के बिहाव पर कुछ चीजें बोलनी है। जो तुम लोगों को छपरी साउंड सुनाई दे रहा था, वो पहली बात तो छपरी था नहीं, उसने पिछली बोला था। ये वर्ड लगाकर सुन लो एक बार। हम तो वैसे भी नहीं बोल सकते, मस्ती मजाक में ये बातें। मुझे बताना था कि हमारी तरफ से क्या चीजें थी और क्या आपको लगी। लोकेश बोले, वह चाहती थी कि मैं ये चीजें क्लियर कर दूं। आप लोग गलत ना समझो उन चीजों को, मुझे भी पहले वही लगा। रही बात उन चीजों की, तो बोलना होता तो हम वैसे ही बोलते। उसने एल्विस का नाम भी नहीं लिया। एल्विस ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो निगेटिविटी न फैलाएं। कितनी भी दोस्तों को भड़काने की कोशिश कर लो, ऐसे लड़ाई कभी नहीं होगी। लोकेश कटारिया की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी, जिसमें वो आशना के साथ गाड़ी में बैठे थे और बिग बॉस के बारे में बात कर रहे थे। इसी बीच बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की बात चल रही थी। इस सीजन के विनर एल्विस यादव थे। बातों ही बातों में आशना ने कुछ ऐसा बोला जिसे देखकर एल्विस के फैंस भड़क गए थे। क्लिप के साथ दावा किया जा रहा था कि आशना ने एल्विस को छपरी कहा था। आशना कुछ बोलकर कहती है कि इसे ब्लॉक से काट देना। इस क्लिप पर लोकेश की काफी ट्रोलिंग हो रही थी। हालांकि लोकेश की सफाई के बाद भी कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर आशना ने पिछली बोला था तो उसने काटने के लिए क्यों कहा था। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।